सो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर्स प्रीवियस ईयर्स में ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, मेक श्योर आप इसको पूरी अच्छी तरह प्रिपेयर करें। देखिए बच्चे, आपको ये देखना है, अभी तक जितना पढ़ लिया ठीक है, अब ये आपको देखना है कि आप इसे फ्रेमिंग कैसे करेंगे। तो फ्रेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर आप इसको अच्छी तरह क्वेश्चन को फ्रेम करें और इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल डिवाइड, मेरा वही स्ट्रैटेजी रहेगी, मैं आपके क्वेश्चन को डिवाइड कर दूंगा इन सेक्शंस ताकि आप उसे अच्छी तरह मेमोराइज कर सकें। सो अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है साइक्लोट्रॉन, तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन और द डेरिवेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। अलग अलग तरह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन डायग्राम बनाइए। देखिए डायग्राम जितना सिंपल होगा उतना ठीक रहेगा, जितना ज्यादा आप डायग्राम में कंफ्यूज करते रहेंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम देखिए, सबसे पहले हमने क्या लगाया, 2 मैग्नेट्स लगा दिए, एक नॉर्थ पोल का मैग्नेट लगा दिया, एक साउथ पोल का मैग्नेट लगा दिया। ठीक है, 2 डीज बना दिए, D1 और D2। ठीक, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिया कनेक्टेड विद द 2 डीज, एक टारगेट लगा दिया जहां पर ये फाइनल जो हमारा मोशन होना है, जहां पर हमारा अल्फा पार्टिकल रिजल्टिंग विल बी गोइंग इन टू दैट टारगेट पोर्शन, तो टारगेट में जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम हो गया। अब देखिए डायग्राम आप जैसे जैसे क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको नंबरिंग मिलती जाएगी, मार्क्स भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल क्या होता है साइक्लोट्रॉन का, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इसमें सब कुछ प्लॉट कर दिया है, तो आपको सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देना है। पॉजिटिव आयन मतलब कोई भी अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल, एनीथिंग पॉजिटिव आयन, वेरी वेरी स्मॉल, एक्वायर लार्ज एनर्जी, तो लार्ज एनर्जी एक्वायर कर लेगा विद द सेम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, तो क्या होएगा, एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल होगा। ठीक है, जो कि मान लीजिए एट सेंटर पे है और वो एक बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर कर लेगा। ठीक है, कैसे कर लेगा देखेंगे, विद द सेम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, तो मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ द सर्किट इज सेम, पोटेंशियल सेम रखा हुआ है बट यहां पर हमने एनर्जी को इंक्रीज करा है, क्रॉसिंग द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो रहा है, 2 चीजें, सबसे पहले एक पार्टिकल हाई एनर्जी एक्वायर करेगा, उसको पास कराया जाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से पास कराएंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज़ फोर्स जो हमने पढ़ रखा है चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या कहता है, व्हेन देयर इज अ पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन देयर विल बी अ लॉरेंट्ज़ फोर्स प्रोड्यूस्ड, द लॉरेंट्ज़ फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके बात आती है थ्योरी में आपको क्या क्या लिखना है। अब आपको थ्योरी में कहानियां नहीं लिखनी वहां बैठ के, आप इसे सम ऑफ प्लॉट्स कर दीजिए ताकि आपको इजी तरह आप अपना टाइम बचा के सारी चीजें कवर कर लें। तो सबसे पहले मैंने इसको भी इन सेक्शंस डिवाइड कर दिया है। थ्योरी में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, पहला सेक्शन लिखेंगे अ पॉजिटिव आयन एट द सेंटर, एट द सेंटर आगे बताना जरूरी है, एट द सेंटर प्रोड्यूस्ड, तो ये क्या है, सेंटर पे प्रोड्यूस हुआ है बाय हाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑसिलेटर, तो उससे प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, D1 और D2, जो तो D1 और D2 है ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल्स होते हैं, तो मतलब इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो देयर पोलैरिटी रिवर्सेस आफ्टर द हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, तो पॉजिटिव पोटेंशियल ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। मैग्नेटिक फील्ड सोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों के नॉर्मल होगा पोटेंशियल्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इससे क्या होगा, तो देखिए जरा, लेट सपोज यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम बात करते हैं हमारा पार्टिकल यहां पे है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही D2 में आएगा, D2 और D1 का पोटेंशियल्स अलग है, तो क्या होएगा, ये एक हाफ सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, हाफ सेमी सर्कुलर, और उसके बाद कंटिन्यूसली इंक्रीज कर देगा, देखते हैं कैसे, 2 मिनट। तो ये लॉरेंट्ज़ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब लॉरेंट्ज़ फोर्स प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, देखिए जैसे ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज नॉर्मल। अब जब पार्टिकल मूव करेगा इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो यहां पर एक लॉरेंट्ज़ फोर्स प्रोड्यूस होगा, लॉरेंट्ज़ फोर्स हमारे को क्या करेगा, इस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगा, तो पार्टिकल डिफ्लेक्शन हो जाएगी, कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन हो जाएगी और
जो हमारा पार्टिकल है वो सर्कुलर सेंट्रीपिटल मोशन करेगा, सेंट्रीपिटली रोटेट करेगा, ठीक है, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स और लॉरेंट फोर्स इक्वल ना हो जाए, बस इतनी बात आपको इसमें लिखनी है, दैट इज कंप्लीट फॉर द थ्योरी। नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका, अच्छा मैं एक बार कंस्ट्रक्शन रह गया था, कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन इजी, आप फिगर देख के भी बता सकते हैं, दो डीज लगाए हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर लगाए हैं, मैग्नेट्स लगाए हैं, ये बहुत स्ट्रांग मैग्नेट्स होते हैं बेटे, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट्स हैं। नेक्स्ट थ्योरी में, और फिर आपका लास्ट आता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, मैंने ये देखो ये लॉरेंट फोर्स का एक्सप्रेशन होता है, आपको याद आ जाना चाहिए बी क्यू वी, इसको मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट किया है, एम वी स्क्वायर बाय आर, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे को रेडियस, जो ये पाथ ट्रेवल कर रहा है ना, इसका रेडियस मिल जाएगा, किसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होएगा, ठीक है, ये दिख रहा है हमारे को, इट विल बी इंक्रीजिंग, तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस भी इंक्रीज होएगा, परपेंडिकुलर होगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड उतना रेडियस कम। चलिए टाइम पीरियड ऑफ एन साइक्लोट्रॉन भी इसी तरह निकाल सकते हैं कि हाफ द लेंथ कवर्ड, तो जितना डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसकी जो स्पीड होगी उसको हमने वी से डिनोट किया है, वी से, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन वन साइकिल, हाफ साइकिल, पाई आर, ये आपका बेसिक सेमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल्ड है। चलिए दैट्स इट, तो आप इसके नोट कर सकते हैं।